ये वाला चीज चिली है और ये चिकन फायर है। अच्छा उसमें देख फ्लावर भी है, फ्लावर मत समझना फायर हो। हाँ ये वही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भिवंडी ढाबा, जब भी जाओ तो यहाँ ट्रैफिक रहती है और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, यहाँ पे फुल ट्रैफिक रहती है। जो भिवंडी हम लोग आधा पौना घंटे में पहुँचते थे, अब एक एक घंटा लगता है, कभी कभी तो डेढ़ दो घंटा भी लग जाता है। तो आप देख सकते हो किस तरह से स्लो से गाड़ियाँ चल रही है, उनके पीछे हम भी चल रहे हैं। तो ये हाल है यहाँ पे, अभी ये नासिक रोड का ये हाल है। जब भी ढाबा जाओ व्यूअर्स, तो नेविगेशन देख कर जाओ, क्योंकि हम लोग तो अभी निकल चुके हैं लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक इतनी लगी हुई है। चलो देखते हैं अभी कब तक पहुँचते हैं। अभी फ़िलहाल तो कितना 10 बज रहा है, 10 बजे निकले हम लोग, 10 बज रहा है अभी। देखते हैं कितने घंटे में पहुँचता, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि मेरे व्यूअर्स को भी मालूम पड़े कि हम लोग यहाँ पे मतलब भिवंडी ढाबा कितने घंटे में पहुँचते हैं। फाइनली गाइज हम लोग दो घंटे बाद मुमरा से शालीमार ढाबा पहुंच गए, क्योंकि ज़्यादातर इधर ही क्राउड दिख रहा था, बाकी सब जगह खाली था। तो हम लोग शालीमार ढाबा आ गए और दो घंटा लगा गाइज, बहुत ट्रैफिक, बहुत खड्डे, खड्डे इतने के पूछो मत, बाप रे बाप क्या, बहुत ही खड्डे थे और दो घंटा लगा। तो चलो अभी ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और वीडियो को लंबी नहीं करेंगे और अंदर चलते और देखते, शेयर करता हूँ सब कुछ मैं आपके। तो ये शालीमार ढाबा, हम लोग शालीमार ढाबा है, और तो मेरा साला बाहर से आया था तो इसको ढाबा देखना था ना, तो शोएब को लेकर आए हम लोग। शोएब कैसा लगा? मस्त लगा एकदम। अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम देखा ना? फर्स्ट टाइम, हाँ भिवंडी फर्स्ट टाइम। चलो भिवंडी का ढाबा फर्स्ट टाइम, और मुमरा का देखा है ना? हाँ। तो ये भिवंडी का फर्स्ट टाइम देख रहा है, और ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपने देखा होगा ये शालीमार का मैंने ब्लॉग डाला हूँ और ये मच्छी भी दिखाया हूँ मैंने। तो ये तो हमेशा की तरह मैंने दिखाया हूँ, तो आज भी दिखा दिया हूँ। तो देखो कितना बड़ा ये है यहाँ पे बैठने के लिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने दिखाया था पहले भी, तो ये ढाबा है। चलो अभी चलते हैं, देखते हैं हमारे टेबल किधर है, कहाँ बैठ रहे हैं हम लोग। ये देखो मेरी पूरी फैमिली है, रफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छी लग रही है माशाल्लाह, नया लुक। और ये मेरा साला जो मैंने बाहर दिखा दिया, और ये मेरे आपा के ससुरे आज ही फर्स्ट टाइम आए हमारे साथ, और हमजा भी आया, सब आए बच्चे लोग, आपा, मेरी वाइफ, हम लोग आए। तो अभी चलो होटल तो शेयर कर चुका हूँ बार बार, अभी क्या करूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करूँगा क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, देखो बारिश के कारण जो ऊपर ये बांधा है, ये सब मैं शेयर करूँगा। तो अभी देखते पहले ऑर्डर करते कुछ, और उसके बाद में वो भी शेयर करता हूँ क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं आज, देखते आज क्या नया है। पहले ऑलवेज फेवरेट चना लहसुन, ये तो फेवरेट है, तो ये आ गया है आते साथ सॉस के साथ में, बहुत मजा आता है इसको खाने में और सबको पसंद है। तो मुझे तो लगा था घर के शायद अभी बाहर बैठने नहीं मिलेगा क्योंकि बाहर के टेबल शायद अभी बारिश की वजह से, लेकिन ऊपर अच्छा शेड वेड बांध दिया, देखो पूरा शेड से कवर कर दिया है। एज इट इज टेबल जिधर थे उधर ही है, कोई चेंजेस नहीं है शालीमार में, और बारिश हो या कुछ भी हो बैठने के लिए बहुत सुकून है, बैठ सकते हैं। तो गाइस चलो अभी चने का मज़ा लेते और आपसे बातें करते रहते, मिलते रहेंगे बीच बीच में। तो अभी स्टार्टर आने में, तो देखो यहाँ पे प्लेट भी लग गई है अभी, तो हम लोग टोटल 11 जने, तो 11 प्लेट अभी स्टार्टर आएगा। स्टार्टर जब लेकर आएंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ, और देखते हैं स्टार्टर में क्या मंगाया घर वालों ने, लेकिन मैं डायरेक्ट अभी दिखा के शेयर करता हूँ आपके साथ। हमारा स्टार्टर आ गया, तो भाई क्या क्या ये जरा बताएंगे आप लोग, कौन बताएगा? अच्छा ये चीज़, ये कोई एक ये चीज़, अच्छा ये वाला चीज़ चिली है और ये चिकन फायर है। अच्छा उसमें देख फ्लावर भी है, फ्लावर मत समझना फायर हो। हाँ ये वही है।
ले लो भाई, ले लो, सर्व कर दो, सबको दे दो। हाँ सर्व करो भाई, सब बच्चे लोग को देंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चे लोग का स्नैपचैट वगैरह चलता रहेगा। अभी भाई लोग देखो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, तो देखो एक इस तरह से भाई है। यहाँ पे युवा उठ रहा है और खांसी भी उठ रही है। देखो किस तरह से ये लोग डिवाइड कर रहे हैं, सर्व कर रहे पूरे दस प्लेट में। और ऐसा भी एकदम परफेक्ट करते हैं लोग, सबको बराबर आता है। ये खासियत है इन लोगों में, क्योंकि इनको हैबिट है तो बहुत अच्छे से सर्व करते हैं। हाँ वो डाल देंगे, तेरे को गोभी का पत्ता चाहिए भाई? वो गोभी का पत्ता रख देना, डाल दो प्लेट में, वो लोग खाने वाले लोग। तेरे को चाहिए गोभी का पत्ता? तो देखो माशाल्लाह स्टार्टर भी आ गया है। पास कर दे, पास कर दे, हो गया ना? बस बस बस, चलो आया ना? नहीं आया, अलहमदुल्ला ज़्यादा ही है। हाँ मैंने भी खाने की चीज़ था ना, आयशा बेटा खाने पे ज्यादा ध्यान है। हाँ फोटोज बाद में, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी चलो तुम भी दो। हाँ हाँ मैं भी व्लॉगिंग व्लॉगिंग करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। नहीं नहीं अभी अभी बस पहले खाएंगे, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहेंगे आपके साथ क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे ये है फायर और ये है चीज चिली। गाइस ये मलाई चिकन है, मेरी वाइफ का फेवरेट, और सलाद भी उसके साथ में देना देना। लेकिन बहुत अच्छा, मतलब स्वीट स्वीट लगता है, थोड़ा स्वीट स्पाइसी दोनों लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका भी। दोनों मीठा है, मेरे को भी पसंद है। भाई अभी हमारा सालन आ गया, रोटी आ गई, वो भी शेयर करता हूँ मैं आपको। भाई ये कौन सा सालन है? ये दरबार अंडी। हाँ दरबार अंडी ना, तो ये दरबार अंडी है और बटर नान है ना, तो बटर नान मंगाए हमने और तंदूरी भी मंगाए। तो गाइस अभी दाल की खिचड़ी भी आ गई है, बहुत अच्छी दाल की खिचड़ी है। देखो मस्त मिर्ची डाल कर है, ये मिर्ची देखो रेड कलर है। ढाबे पे आओ तो दाल की खिचड़ी खाने का मजा ही अलग है, और ऐसा सोचकर भी दाल की खिचड़ी खाने का कहीं और ढाबे पे कुछ अलग ही इसका टेस्ट रहता। तो ये रेगुलर हम लोग मंगाते दाल खिचड़ी और राइस भी मंगाते हैं। ये राइस है, फ्राइड राइस मेरे वाइफ का एकदम कॉमन है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खाना सभी अच्छा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था खाना। मरियम फ्राइड राइस चाहिए कि दाल खिचड़ी तेरे को? ये ले निकाल ले, थोड़ा तेरे लिए निकाल लो। सेल्फी पॉइंट है ना, लेकिन बारिश की वजह से तो पूरा खाली है। देखो देखो अपने दोनों, देखो बारिश हो रही फिर भी खेल रहे, बारिश होने के कारण। हाँ ना देखो ना खेल रहे, बीमार हो जाएगा। तो गाइस देखो बारिश के कारण पूरा ग्राउंड खाली है, नहीं तो ये ग्राउंड ऐसा भरा हुआ रहता बच्चों से। और ये सेल्फी पॉइंट भी आज खाली पड़ा हुआ है, एकदम सूना, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। आप देख सकते हो देखो बारिश हो रही है, और बारिश के कारण कोई भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। कितना बज रहा है रफीक भाई? एक बज रहा है ना? डेढ़ बज रहा है, डेढ़ बज रहा है, डेढ़ बजे। देखो डेढ़ बजे अभी क्राउड बढ़ गया, पब्लिक आ गई अच्छी खासी, लेकिन यहाँ खाली है। आयशा भीगो मत, भीगो मत। तो गाइस मेरे पिछले व्लॉग में हम लोग ऊपर बैठे थे, तो ऊपर का तो मैंने शेयर किया हूँ, सब बताया हूँ। अभी बार बार क्या आपको लोगों को बता के बोर करूँ, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। देखो गेम जोन भी खाली पड़ा हुआ है यार, इतने बारिश में कौन खेलेगा और कौन यहाँ पे अभी बारिश में भीगेगा? फिर भी अपने बच्चे घर के खेलेंगे। लेकिन फिर भी हमारे घर के बच्चे देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये बारिश में भी ढाबे का मज़ा उठा रहे। देखे फुल बारिश हो रही है और झूले का मज़ा उठा रहे। और ये ऊपर का है देखो, काफ़ी बारिश के वजह से सब बांध दिया गया है, फुल इंजॉय ले रहे।
सैटरडे नाइट का फुल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सैटरडे नाइट का पूरा एंजॉय कर रहे हैं लोग। ऐसा लगेगा पैर में बेटा, ये बेटा वो लगेगा आयशो पैर में लग जाएगा। ए रुमान ऐसा आराम से गिरेंगे तुम लोग। बारिश है बेटा, खास करके मेरे साले के लिए आए थे, उसको धाबा देखना था। तो शोएब कैसा लगा धाबा? बहुत अच्छा धाबा, अच्छा लगा ना, मजा आया, बहुत अच्छा। खाने का टेस्ट बहुत सही था, बहुत अच्छा लगा ना, दोबारा आने जैसा थे तो लगा है, आने जैसा, आने जैसा ना, टेस्टी है खाना। तो खाने वगैरह स्टार्टर वगैरह सब अच्छा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, टेस्टी था स्टार्टर, काफ़ी बहुत ही अच्छा था। क्राउड नहीं होने की वजह से आज लगता ज़्यादा अच्छा बन के मिला, क्योंकि ज़्यादा क्राउड है तो टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता। मतलब शोएब के लिए खास आए थे और उसको अच्छा लगा, पसंद आया, क्योंकि आज तक शायद उसने वीडियो में इसमें ही देखा था। तो ये मेरा साला है, ये अफ्रीका में रहता, साउथ अफ्रीका में, और 10 साल बाद आया और इसने मतलब इसे वीडियो इसमें देखता था हमारे स्टेटस वगैरह वीडियो में, तो पूछता था कि धाबा कैसा है। तो हम लोग ने आज फाइनली इसको लेकर आए और इसकी वजह से ही आए हम लोग। मैं तो आने का मूड नहीं था क्योंकि बारिश इतनी है, गाइस की तो जाने का दिल नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग खास इसके लिए आए। बारिश रुकी हुई थी तो निकल के आ गए, लेकिन अभी फिर बारिश फिर चालू हो गई और ट्रैफिक भी काफ़ी लग रही है। ट्रैफिक में हम लोग आए 2 घंटे के बाद तो आए, बहुत है ट्रैफिक, बहुत है। 20 मिनट का रास्ता था। साउथ अफ्रीका में ट्रैफिक रहती नहीं, नहीं नहीं वहाँ नहीं रहती है, नहीं ट्रैफिक नहीं रहती वहाँ, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं। चलो फिर अभी देखते हैं आगे और कुछ शेयर करने जैसा है जो भी, तो शेयर करूँगा आपके साथ। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं अंदर, बारिश में भीग रहे हैं। अच्छा तू भीग रही है, ऐसा कितना गिल्ला हो गई बेटा, गिल्ला हो के तू बीमार पड़ेगी, मत गिल्ला मत हो। तो ये इकबाल भाई है हमारे, पापा के ससरे हैं। तुम पहली बार आए ना? पहली बार। ये ढाबे पे पहली बार आए कि ये ढाबे पे? ये यहाँ पे, ये मैं पहली बार आया। अच्छा ढाबे पे पहली बार आए, ढाबे पे, ये ढाबे पे पहली बार ही आए। तो कैसा लगा? अच्छा लगा क्या ढाबे पे? क्या अच्छा लगा खाना वगैरह? अच्छा ना, खाने जैसा है ना एकदम? एक टाइम महीने में, एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जैसा भी खाने जैसा है। बच्चे लोग का एंजॉय भी हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और एक मूड फ्रेश हो जाता है यहाँ पे आने के बाद, काफ़ी अच्छा लगता है। भाई हम लोग भी गिल्ले हो गए वहाँ पे, वीडियो शूट करते करते मैं गिल्ला हो गया वहाँ पे, पूरे सर में पानी पानी हो गया। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और अच्छा मतलब खाना बहुत अच्छा लगा। बच्चे लोग ने, बच्चे लोग एंजॉय किए ना? बहुत एंजॉय किए बच्चे लोग ने, एंजॉय किए। शोएब, शोएब को मजा आया कि नहीं? बहुत बहुत मजा। खास शोएब के लिए आए थे हम लोग, तो स्पेशल हमारा आज का शोएब गेस्ट था। अभी हर हफ्ते आएगा, शोएब आप हमेशा लेकर आएगा, जब भी पार्टी होगी शोएब यहाँ लेकर आएगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बारिश भी बहुत हो रही है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो हमेशा की तरह बच्चे लोग मिलेंगे ऑफिस नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय।